ताजमहल में दो महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अखिल भारत हिंदू महासभा इसका विरोध कर रही है। लखनऊ में इस समय परिवर्तन चौक पर अखिल भारत हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शशि चतुर्वेदी, उनके जो साथी हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। बात करते हैं शशि चतुर्वेदी से। शशि जी, क्या विरोध है आपका ताजमहल में जो नमाज का वीडियो वायरल हुआ उसे लेकर? उत्तर प्रदेश के आदरणीय यशस्वी महान प्रकांड विद्वान योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार है और इस सरकार के रहते हुए तेजो महल जो ताजमहल है, ताजमहल में घुस करके वहाँ पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ के इस देश के कानून का उल्लंघन किया, इस प्रदेश के कानून का उल्लंघन किया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्व से कहती आई है कि जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पूजा पाठ या नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए लगातार कानून को तोड़ रहे हैं। चाहे यहाँ लखनऊ में लूलू मॉल का मामला हो जो हमने उठाया था, वहाँ भी यही प्रकरण था और वहाँ भी नमाज सार्वजनिक स्थल पे पढ़ी गई। तेजो महल है ताज महल में भी वहाँ जगह जगह वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर पूजा पाठ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये क्या इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं? आखिर क्यों ऐसा है? तो इस बात को लेके एक खुला पत्र आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा है और एक ज्ञापन के रूप में मैं वहाँ पहुँचवाऊँगा आज और कहूँगा कि ऐसे तत्व जो कानून को बार बार उल्लंघन करते उन पर FIR दर्ज हो, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार FIR दर्ज कराए और उनको गिरफ्तारी करे चिन्हित करके। उनके वीडियोस जारी हो चुके हैं और उसके बाद उन पर ऐसी धाराएं लगाए जो एक नज़ीर पेश हो, वो समान सभी धर्मों पे लागू हो कि जो कानून को ना तोड़ें, चाहे पूजा पाठ वाले हो चाहे वो नमाज वाले हो। एक चीज़ ये बताइए कि ताजमहल में नमाज का तो पहले भी पढ़ी जाती रही है, फिर इस बार ये विरोध क्यों? जो जब कोई मामला अदालत में पेंडिंग हो जाता है, आगरा की अदालत में मामला पेंडिंग है सिविल कोर्ट में और हम लोग उसकी लड़ाई को हरिशंकर जैन जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनकी नेतृत्व में इसको लड़ रहे हैं, तो जब वो पेंडिंग है वहाँ पर, तो वहाँ पर जब वो विवादित है कि मंदिर है या मकबरा है तो उसको लेकर के ये पूरी लड़ाई है। जब पेंडिंग है लड़ाई तो वहाँ पर ना पूजा पाठ होगी ना नमाज, बाकायदा वहाँ लिखा हुआ है, लिखा होने के बावजूद ये नियम को क्यों तोड़ रहे हैं? बात यहाँ इस बात की है, हाँ ये समानता के आधार पे हम भी इसका अनुपालन करेंगे वो भी करें, तो दोनों जने को इसका अनुपालन करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा। अगर मांग पूरी नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती तब? अगर कार्रवाई नहीं होती तो अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, हम सब आगरा हमारा संगठन लोकल और हम लोग जाएंगे और वहाँ पर मजबूरन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम वहाँ जलाभिषेक करने की घोषणा करेंगे और हम लोग वहाँ जाएंगे और अगर वो कानून तोड़ने वाले को उससे पहले गिरफ्तार कर लेंगे तो हम सरकार की जय जयकार भी करेंगे हम लोग। तो ये थे हमारे साथ में शशि चतुर्वेदी और तमाम जो इनके समर्थक हैं साथी हैं वो जिस तरह से लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ी है तो उस स्थिति में ये लोग भी वहाँ जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।